ये है मेरे पास एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा और ये है मेरे पास एक आईफोन। आज की डेट में सबको यूट्यूब पे आना है, किसी को कंटेंट क्रिएट करना है, किसी को ब्लॉग करना है, किसी को वीडियोस बनानी है, शॉर्ट बनाना, रील बनाना है, बट अभी भी कंफ्यूज है कि एक अच्छे कैमरा में इन्वेस्ट करें या फिर एक आईफोन में इन्वेस्ट करें। वेल, मुझे इन सब चीजों का 1 से 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। मैं इस चैनल पे 1 से 1.5 साल से वीडियोस बना रहा हूं, तो मैं आपको सारी बातें क्लियर करता हूं और आपके बजट में कौन सी चीजें कैसे कैसे परफॉर्म करेंगी ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस कैमरे से, फोन को पहले डालते हैं जेब में। अगर आपका बजट 50 से 60 हजार रुपए, तो इस तरह का आपको एक DSLR मिल जाएगा। वैसे ये DSLR नहीं है, DSLR से ऊपर की चीजें, यानी कि मिररलेस कैमरा है। उसके बाद आपको एक वाइड एंगल लेंस परचेस करना पड़ेगा, जिससे कि आप ज्यादा वाइड एरिया कवर कर सको। चाहे आपको ब्लॉगिंग करनी हो, चाहे आपको कंटेंट क्रिएट करना हो, कुछ भी करना हो, आपके पास एक वाइड एंगल लेंस होना चाहिए। तो तकरीबन 20 हजार रुपए में आपको एक वाइड एंगल लेंस आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसके अंदर ये जो बैटरी है, ऐसी आपको 2 से 3 बैटरी लेनी पड़ेगी, क्योंकि इन बैटरियों का बहुत मैक्सिमम टाइम होता है 28 से 30 मिनट। इससे ऊपर ये बैटरी है चलती नहीं है। तो 2-3 हजार रुपए आपको पर बैटरी पे डालने पड़ेंगे, यानी कि 2-3 बैटरी आपको रखनी पड़ेगी। तो 5 से 6 हजार रुपए आपको बैटरी में भी खर्चा करना पड़ेगा। उसके बाद इसके अंदर आपको मेमोरी कार्ड परचेस करना पड़ेगा, और मेमोरी कार्ड कम से कम आपको 2 लेने पड़ेंगे 64 GB के बैकअप के लिए। उसके बाद इस कैमरे से अगर आप शूट करते हो तो इसका क्या फायदा होगा, देखो सबसे बड़ी बात इसके, देखो फायदे भी है नुकसान भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कैमरे हैं लो लाइट में काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे और डे लाइट में भी काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बस आपको लेंसेज चेंज करने की जरूरत है। लेकिन अगर आपको डेली बेसिस पे ब्लॉगिंग करनी है या फिर कंटेंट क्रिएट करना है, तो इस तरह से आप पकड़ के करोगे, उससे क्या होता है आपका हाथ काफी ज्यादा दर्द करने लग जाएगा अगर आप डेली बेसिस पे कर रहे हो। तो ये इसके थोड़े से नुकसान हो सकते हैं, और बाकी इन सभी सामानों को यूज करके आपको इनको बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करके रखना पड़ेगा और छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज ये हल्की से भी डैमेज होते हैं तो बहुत मोटा खर्चा ये लोग मांगते हैं, रियलिटी है। अब हम वीडियो में आगे बढ़ चुके थे, थोड़ा सा कंपैरिजन की नजरिए से बात कर लेते हैं। अगर आपने DSLR लिया, ठीक है, तो आपको इसके स्टेबलाइजेशन से काफी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको DSLR में अगर आप कुछ भी शूट कर रहे हो और अगर आप इस तरह से कैमरा पकड़ के इस तरीके से शूट कर रहे हो और आपका कैमरा हल्का सा भी हिलता है, तो वीडियो में बहुत ज्यादा शेक क्रिएट होगा, जिससे आपकी वीडियो काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल लगी। तो उस केस में आपको इस तरह का एक 20 से 25 हजार रुपए का गिम्बल यूज करना पड़ेगा वीडियो को स्टेबल करने के लिए। वहीं अगर हम आईफोन जैसे बात, जैसे हम आईफोन के बारे में बात करते हैं, इसके अंदर अगर आप 60 FPS में वीडियो शूट करते हो तो काफी स्मूथली तरीके से वीडियो आपकी शूट हो जाती है, और हल्का फुल्का अगर हिलता भी है तो वीडियोस में इतना शेक समझ में नहीं आता है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। बाकी वीडियो के लास्ट में हम कंक्लूजन में पहुंचेंगे कि आपको किसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी सेकंड पॉइंट के ऊपर हम बढ़ते हैं, वो है भाई इसका माइक प्रॉब्लम। अगर आप इस तरह के DSLR या फिर मिररलेस कैमरे लेते हो इस प्राइस पॉइंट पे 50 से 60 हजार रुपए के अंदर, कैमरे की माइक क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती है, तो आपको एक वन टाइम माइक के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अब यार देखो, माइक 500 रुपए से लेके 5 हजार के बीच में भी आते हैं, आपका बजट क्या अलाउ करता है ये आपको डिसाइड करना है, और माइक ऐसा परचेस करना जो आपके कैमरे में भी यूज हो जाए और आपके आईफोन में भी यूज हो जाए। फ्यूचर में भाई किसने क्या ही देखा है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, अगर आप ब्लॉगर हो, कंटेंट क्रिएटर, अगर आप पब्लिक में ब्लॉगिंग कर रहे हो, चलो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे अगर मैं ब्लॉगिंग के हिसाब से लूं, अगर आप पब्लिक में ब्लॉगिंग कर रहे हो और इस तरह के कैमरे से अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो आप जब पब्लिक में ब्लॉगिंग करोगे लोग आपको ऐसे देखेंगे कि जैसे आपने उनकी पॉकेट मार ली हो, लोग ऐसे नोटिस करते हैं। तो वहां पे अगर आप बिगिनर हो ना, तो आपको बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। अगर वहीं अगर आप आईफोन से शूट करोगे तो लोग इतना नोटिस नहीं करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना, हर गली हर नुक्कड़ हर मोड़ पे कोई ना कोई फोन का कैमरा खोल के कुछ ना कुछ शूट कर रहा है। तो उस चीज से लोग एक तो आपको प्रोफेशनल देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं कि ये बंदा ऐसी काम कर रहा होगा, लेकिन आपको पता है कि आप क्या काम कर रहे हो, आपकी क्या मेंटालिटी है। वहीं अगर आप कैमरे से शूट करोगे, ब्लॉगिंग करोगे, तो लोग सोचेंगे भाई ये प्रोफेशनल बंदा है, आपको गलत नजरिए से नहीं देखेंगे, बट ऐसे देखेंगे कि आप वहां पे उनके बीच में अनकंफर्टेबल खुद को फील करना चालू कर दोगे। और एक और प्लस पॉइंट ये, अगर आप इस तरह के आईफोन में इन्वेस्ट करते हो, आईफोन में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि भाई आज की डेट में हर कोई आईफोन को ही आपको सजेस्ट करेगा। तो अगर आप इस तरह का आईफोन में इन्वेस्ट करते भी हो, तो एक सबसे बड़ा काम आपका क्या हो जाएगा, अगर आपके पास इस तरह का ये विंडो लैपटॉप है, इसमें आपको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास इस तरह का मैक लैपटॉप है, तो इसमें आपको एडिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हो, तो अगर आपने वहां ब्लॉग शूट किया, तो आप अपने आईफोन के अंदर ही अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, बजट की बात अगर है तो। अब बात करते हैं वीडियो की कंक्लूजन पे। अगर आपका बजट ठीक ठाक है और आप शुरू से ही लोगों को क्वालिटी देना चाहते हो, तो उस केस में भाई आप DSLR की तरफ चले जाओ, लेंसेज में इन्वेस्ट करो, आपका काम होता चले जाएगा। वहीं पे अगर आपका बजट नहीं है, 50 से 60 हजार रुपए बजट है, तो भाई आईफोन की तरफ जाओ,
200-300 वीडियोस बनाओ आराम से, और आपको लगता है कि अब मुझे कैमरा में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो आप अपने कैमराज में इन्वेस्ट करो। भाई देखो, सौरभ जोशी, मुंबई कर निखिल, फ्लाइंग वेस्ट, ये सब आज की डेट में फोन से शूट करते हैं। ऐसा नहीं कि इनके पास बजट नहीं है, कैमरा से नहीं शूट कर सकते, बट रीजन पता क्या है शूट करने का? एक तो कैमरा हर जगह अलाउड नहीं होता, सेकंड थिंग ये कि भारी और भारी भरकम होते हैं, थर्ड सबसे बड़ी बात है इनके पास इनको देखने वाली ऑडियंस अभी इनके पास अवेलेबल है। तो ये चाहे कैमरे से शूट करे, ये चाहे फोन से शूट करे, इनकी ऑडियंस इनको देखेगी, बट आपको वो ऑडियंस देखेंगी जो आपकी कभी है ही नहीं। तो आपको ऑडियंस अभी कमानी पड़ेगी, तो उसके लिए यार देखो क्वालिटी तो आपको देनी पड़ेगी। बाकी ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी चलेगा, शेयर कर देना जो इस चीज को लेके अभी भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, और नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए मुझे बता के जरूर जाना। बाकी ये वीडियो मैं रात में शूट कर रहा हूँ, तो आप सभी लोगों को गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से टॉपिक के साथ।